मौजूद थे, 553 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी गरज रहा था, एक आदमी पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से लोहा ले रहा था आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, आपके हक और हुकूक के लिए आपकी आवाज बनकर। आपने क्या दिया था असदुद्दीन ओवैसी को, या आज तक आपने असदुद्दीन ओवैसी को क्या दिया है? आपने तो माशा अल्लाह इंशाअल्लाह कहने से भी इनकार कर दिया है। जनाब मफरत मांगी अल्लाह से कि वो नादार, वो मजलूम, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और अकलियतों के लिए अपनी जान की बाजी लगाया हुआ है। और एक तरफ हिंदुस्तान में तो हमको दूसरा कोई नेता नजर नहीं आता। हिंदुस्तान में अगर सिर्फ बात होती है तो MIM की भी बात क्यों होती है? इंशाअल्लाह रहमान हम वो बुनियाद रखेंगे और आप उसके गवाह होंगे। असदुद्दीन ओवैसी को भी ये बात बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा कि झारखंड ने मुझे नेशनल लेवल की पार्टी बनाया। इंशाअल्लाह रहमान और मैं तहे दिल से हाथ मैं एक साल पीछे लगा। आप एक साल पीछे क्या महसूस कर रहे थे? बकरीद के मौके पर क्या महसूस कर रहे थे? भूल जाते हैं आप और फिर वही नाफिज करना चाहते हैं जिन लोगों ने आज हमको झारखंड में, बीच में थोड़ा सा फिर हट रहा हूं, झारखंड की राजनीति मैंने भी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भाव प्रेसिडेंट रहा हूं, सिंधु सोरेन के साथ दही और रोटी खाया है, सुधीर महतो, अर्जुन मुंडा, सुधीर महतो सबके साथ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस आपको अब तक इसने क्या दिया? मैंने भी किया। अभी आफ्ताब भाई को एक दिन हमने बोला और जुड़े के दिन इन्होंने हमको कहा, हमने कहा लाइए, कहा काम करना है, मैं कर देता हूं। मैं दिल से चाहता हूं, जबान से नहीं, सियासत से नहीं, सियासत यहां से करेंगे लेकिन सपोर्ट कलम से करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि दिल हाथ मिले या ना मिले, दिल मिलाए रहिए। आप कहीं भी रहिए, कोई फिक्र नहीं, वोट कटवाया, हम आपको जिंदगी भर देते आए तो भी वोट कटवा ही कहलाए। हम अपना नुमाइंदा नहीं चुने, बिना पैसा, बिना कौड़ी, बिना दुआ, बिना दरूद आपकी बातों को पार्लियामेंट में ही नहीं, पार्लियामेंट से जब रिलीज होता है तो इंटरनेशनल बैंक पर जाता है। और आज असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल बैंक के लीडर है। मैं ये भी बता देता हूं कि अमेरिका से न्यूज निकला है जिसमें पॉलिटिकल हस्ती में 56 पोजिशन आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकान है। कहां है आप? बहुत लोग हैं, नो एनी वन लीडर इन इंडिया ऑनली असदुद्दीन ओवैसी। वाई आपको सोचना होगा, हम जिंदगी भर धोया है झंडा, खुदा की कसम धोया है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, झूठी सच्ची बातों पे आप ही को बहकाया है उनकी तारीफ में, हालांकि आज तक हमने कुछ नहीं लिया। खुदा शाहिद है, अल्लाह शाहिद है मेरा, हमने आज तक किसी से
कुछ नहीं लिया और ना किसी से कोई मदद लिया। आज जरूरत इस बात की है, जो इलेक्शन गुजर गया, कितना वोट दिया था आपने, मैं उपेंद्र सिंह के साथ था, मैं आज इस मंच से बता रहा हूं, हालांकि ये डिबेट की जगह है, उपेंद्र सिंह के साथ था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं तुम लोग कांग्रेस को वोट दो, ये मेरी पार्टी है, हम इससे अलग नहीं हुए हैं, हम हैं, हम कहीं पर बात करेंगे। जब हमने परसेंटेज की बात की, आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला, परसों दिन मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं, हम कहा कि जब तक मेरा फीसद नहीं आएगा मैं अब नहीं आऊंगा, और उसके अलावा अब मैं जो मैंने पहले कहा कि ला एतबार पर एतबार मत करना, ला एतबार पर एतबार मत करना, एतबार भी शर्मिंदा है, एतमाद अब मत करना। अब हम खुदा की कसम कामरान भाई यहां मौजूद है, आफ्ताब सिद्दीकी मौजूद है, ये कोहान के और पश्चिमी विधानसभा के ये प्रभारी लोग हैं, यहां पर हमारे अल्ताफ भाई भी मौजूद है, हमारे और दीगर साथी भी यहां मौजूद हैं। खुदा की कसम मैं इनका शुक्रगुजार हूं और जिंदगी भर रहूंगा, इसलिए नहीं कि ये हमारे साथ कुछ करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हकायक के पीछे डॉक्टर हक का साथ हमेशा रहेगा, हर सच्चाई के साथ जिस जगह बुलाओगे डॉक्टर आगे आगे रहेगा, डॉक्टर को कोई चीज नहीं चाहिए, प्यार से सलाम करके इज्जत दे दोगे बहुत काफी है, कहीं पान दुकान में मिल जाना तो तू पान खिला देना, बस इतना ही मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब। एक साल पीछे हम लोग क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन जब पार्लियामेंट में गरजना शुरू किया, यही तबरे तंत्री के लिए बेशमान साहब की आवाज आसनसोल रामगढ़ जब आवाज उठनी शुरू हुई, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोग भुला जाते हैं, आप इसको मत भुलाइए, बल्कि हम लीजिए मैं ये प्राणी कि आप जिस जगह रहे, जरूरत नहीं पड़े कामरान की, जरूरत नहीं पड़े आफ्ताब सिद्दीकी की, जरूरत नहीं पड़े डॉक्टर हक की, आप जहां पर रहे अपनी माँ बहन भाई बच्चों को ये तालीम दे कि सियासी शऊर अगर हिंदुस्तान में कोई रखता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और वो जीते या वो हारे अगर अपना नुमाइंदा यहां देता है तो इंशाल्लाह तन मन धन के साथ हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर रहेंगे। ये दिल में तहैया कीजिए, ये तहैया आपको अपने दिल के अंदर रखना है। लोग जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनकी क्रिटिसाइज को सुनिए, आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, अगर वो वाकई समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते हैं तो खुदा की कसम मेरी आपसे इल्तिजा है, आप झगड़ा मत कीजिएगा, आप उनसे झगड़ा करने पर उतारू मत होइएगा, वो भी मेरा भाई है, लेकिन फितरत में ये शुमार हो चुका है कि हम 7 साल से एक आदमी को पूजते आए देते आए, तो अभी उसको भी जो है आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आएगा, वो इसलिए आएगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का शरीक है, और इस बात पर मुझे फख्र है कि वो जरूर आएगा, कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा, आगे कतार वाला कामरान और आफ्ताब सिद्दीकी अगर आगे है और सबसे पीछे डॉक्टर हक है तो उसी फहरिस्त में है, गलत की फहरिस्त में नहीं है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है। और एक चीज
कि हमारे 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 नौजवान बुजुर्ग जितने भी हैं, जिस जगह भी आपको मौका मिलता है एमआईएम के बारे में आप उनको बताइए। देखिए, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ये कि वो एक्सेप्ट एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस पार्टी के अलावा हमारे साथ कोई नहीं। इस पार्टी के अलावा हमारे साथ कोई नहीं है। हम ये बात उनकी समाज में भी दलित भाइयों से, हरिजन भाइयों से, आदिवासी भाइयों से मैं उनसे भी करूंगा और उनके पास भी जाऊंगा और वो इस वक्त रख देंगे। ये याद रखिए आप, इनके बहकावे में वो अब आने वाले नहीं है। इसलिए कि जिस तरह से आप अपना एक रहनुमा कहिए, सियासी एतबार से लीडर कहिए, अरबी एतबार से कायद कहिए,